यस कर मैम, दो। यस मैम, मैम चालू कर विवेक दीजिए को बोल दो, पर विवेक जी। विल स्पीक। यस मैम, धन्यवाद मैडम। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले, शून्य से अनंत तक पहुंचाने वाले सभी शिक्षकों, गुरुजनों को मेरा नमन। आज हमारे मध्य लोकल फॉर वोकल वक्तव्य श्रृंखला में प्रथम वक्ता के तौर पर मैडम वंदना तारे मौजूद हैं। श्रोताओं, मैं अधिकतर उनके छात्र हैं, फिर भी सुलभता के लिए ये मेरा सौभाग्य, मैं उनके संक्षिप्त व्यक्ति परिचय का वाचन कर रहा हूँ। डॉक्टर वंदना तारे, आप हमारे संस्थान की डीन प्रोफेसर मेंबर हैं। आप IRC कमेटी मेंबर की सतत 1982 मेंबर रही हैं। स्टे कोऑर्डिनेटर इंदौर की PMJSY की मेंबर हैं। आप लगातार 2 बार S3 और H11 कमेटी IRC की मेंबर रही हैं। आपके द्वारा नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ PMJSY में हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया गया है। आप IGS इंदौर चैप्टर की सेक्रेटरी हैं। वर्तमान में आप नगर निगम इंदौर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं। आपके द्वारा लगातार 2 बार, यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार स्वर्ण अलंकरण आपको विभिन्न मुख्यमंत्रियों से प्राप्त हुआ है। आपके जो विभिन्न कार्यशैली है और उसके लिए आपका जो CPWD का रिसर्च बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड आपको मिला है, और BPWD द्वारा भी आपको अलंकृत किया गया है। आप लगातार PMJSY, NRIDA, PMJSY न्यू दिल्ली, इनको अपनी कंसल्टेंसी प्रदान करती हैं। आपका वर्तमान में जो शोध कार्य चल रहा है, और 2 छात्र आपके अंतर्गत अपना शोध कार्य कर रहे हैं, जिसका जो बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है, परफॉर्मेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, एंड दूसरा जो प्रोजेक्ट है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट है। ये हमारा सौभाग्य कि आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आपके द्वारा 50 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है, और लगभग 200 से अधिक छात्रों का अपने MA Thesis का कार्य करवाया है। वर्तमान में आप डिफरेंट PMJSY के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंसल्टेंसीज में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम आपको सुन रहे हैं मैडम जी। धन्यवाद। थैंक यू विवेक। डायरेक्टली आई विल कम टू माय प्रेजेंटेशन। सो माय प्रेजेंटेशन इज रिगार्डिंग IRC मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड वर्क। मोर्थ मींस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। To know the importance of this, one must see this, that it is an apex organization under the central government, consulting with central ministry, departments, state government, organizations and individuals with a view to increase the mobility and efficiency of the road transport system in the country. अब इससे आपको इसका importance मालूम पड़ गया होगा कि इसमें कितने officials involved है, कितने रिसर्च करने वाले लोग इन्वॉल्व है, CPRD, CRRI, ये इनके साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, और इन सब ने मिलके और ये कोड बनाया हुआ। इसमें बहुत सारे IRC कोड, IS कोड, ये सब रेफर किए हुए हैं, और ये कोड इस तरीके से बना हुआ है, और इसके कई बार रिवीजन भी होते रहते हैं। तो ये लेटेस्ट रिवीजन के हिसाब से मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। द मिनिस्ट्री हैज टू विंग्स, रोड विंग एंड ट्रांसपोर्ट विंग। नाउ दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ कोड। आप में से बहुत से लोगों ने ये मोर्थ का ये देखा होगा, तो ये लेटेस्ट है, एंड इट कंटेन्स अबाउट 1000 pages। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये एक लेक्चर में तो ये पूरा आना संभव नहीं है, पर इसमें से कुछ सेक्शंस मैंने लिए हैं। इसको, इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 10 से 15 lectures चाहिए, पर फिर भी मैंने जो रोड के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ सेक्शंस इसमें इंक्लूड किए हैं, और ये प्रेजेंटेशन आपको आपके लिए बनाया है। अब इसके अंदर क्या है ये अपन देखते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज देयर इन दिस? सो देयर आर वेरियस सेक्शंस, अबाउट 32 sections आर देयर, एंड ईच सेक्शन कंटेन्स डिफरेंट सब सेक्शंस। से सेक्शन नंबर 100 कंटेन्स 21 सबसेक्शन, 200 में 2 सबसेक्शन है, लाइकवाइज 400 कंटेन्स 10 सबसेक्शंस, एंड 500 कंटेन्स 20 सबसेक्शंस, 900 कंटेन्स 3 सबसेक्शंस, लाइकवाइज द पाइन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ब्रिक मेसनरी, ट्री स्ट्रेसिंग, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस, स्टील रिइंफोर्समेंट, then open foundation, substructure, repair of structure, soil nailing, etc. So there are total 385 subsections. So you can see that how important is this
फॉर रोड इंजीनियर्स। और ये मैं ये कहूंगी कि दिस इज अ बाइबल फॉर रोड इंजीनियर्स, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर्स जो होते हैं उनको ये कोड के कुछ सेक्शंस रटे हुए होते हैं और वो आके इंजीनियर्स के साथ में बहस करते हैं। कई बार इंजीनियर्स को भी नहीं पता होता है तो वो बोलते हैं कि नहीं रे उस पेज पे उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, फिर कई बार इंजीनियर्स उसको देखते हैं। तो ऐसा हमारे पास सॉरी फिगर कट ना होना चाहिए, इसलिए अपने को ये जो कोड है जो रोड रोड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ये इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें व्हाट इज देयर इन दिस, सो एवरी सेक्शन डील्स विथ स्कोप और डेफिनेशन, मटेरियल्स एंड स्पेसिफिकेशंस, डिजायर्ड ग्रेडिंग इफ एनी बिकॉज देयर आर मेनी ग्रेडिंग्स दे हैव गिवन इन वेरियस सेक्शंस, एंड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एज पर सेक्शन 900। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, द वेरियस टेस्ट दे हैव गिवन, फ्रीक्वेंसीज दे हैव गिवन इन दिस सेक्शन। देन ओपनिंग टू ट्रैफिक, when it should be open, the particular construction when should be it be open, then measurement of payment, this is for contractor, and rates. Now say the important section I will deal with. So first of all, section number 112, that is arrangement of traffic during construction. Whenever any construction is going on, there must be bypass near that construction. और वो जो बाईपास है उसका जो सेक्शन है दैट शुड बी लाइक दिस, दैट 200 mm जीएसबी, 225 WBM और WMM, प्रीमिक्स कारपेट विथ सील कोट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज बन रहा है या कोई रोड बन रही है और उसके बाईपास साइड में कोई रोड बन रही है और ऐसे ही बना दी, उसमें से व्हीकल जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो दिस शुड नॉट बी देयर। इंजीनियर को ये अथॉरिटी है कि वो ये वाला सेक्शन वहां कंस्ट्रक्ट करे, एंड इंजीनियर्स ने जरूर करना चाहिए। 121 डील्स विथ फील्ड लैब। फील्ड लेबोरेटरी इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सो फॉर अ बिग कॉन्ट्रेक्टर द फील्ड लेबोरेटरी इज मस्ट, एंड द इक्विपमेंट्स रिलेटेड विथ सॉइल, बिटुमेन, बिटुमेन मिक्सर्स, सीमेंट, सीमेंट कॉन्क्रीट एंड अदर इक्विपमेंट्स, ओवन एटसेट्रा, ऑल मस्ट बी देयर, and bitumen extractor must be there, penetrometer must be there. So these equipments are used for quality control issues. And we'll start with section number 305, that is embankment construction. So this table shows the density requirements of embankment and subgrade materials. So whatever material is used in embankment, that should have high CBR, this you know very well, but the material should have maximum laboratory dry unit weight which tested as per IS 2720 part 8 should be between 15.2 to 17.5 kilonewton per cubic meter. This is the density requirement of the material which is used in embankment. It should be used in embankment. Now this table shows the compaction requirement for embankment and subgrade. So relative compaction as percentage of maximum laboratory dry sand density as per IS 2720 part 8 must be between 90% to 97% for various types of construction, that is subgrade, embankment, and for expansive clays, etc. They have given it in this table and it should be followed by engineers. Then regarding section number 400, so this is for subbases and bases. Definitely it is for non-bituminous, no bitumen is used in this section 400, whatever is given. So it is without bitumen and of course for shoulders. So there are 10 subsections. 401 is for GSB, important one I will deal with. So 401 for GSB, 404 is for WBM, that is water bound macadam, and 406 is for weight mixed macadam, that is WMM, and these are in general in use. That's why I will explain these in detail. Others are also there. 408 is their shoulders, island, medians, etc. So in detail they have given. As already I have already told you that
in one lecture, this cannot be covered, but some important issues I have taken in this lecture. Now, regarding section 400, it is 401 is for GSB, that is a granular subbase. You all know that this is drainage layer. So, for drainage layer, liquid limit and PI are very important. And the material used here are natural sand, crushed gravel, crushed stone, or combination of these material. And grading ranges from 75 mm to 0.075 mm. And there are six gradings they have given. And it is said that it is required that liquid limit should be less than 25% and plasticity index should be less than 6%. So as you know that sand is permeable, fully permeable, pura ka pura pani usme se chala jata hai, that the PI of sand is zero. So for drainage material, the PI must be less. To isliye IRC kehta hai ki 6 se kam PI wala material hi use karenge. Aap yadi muram leke aayenge kahin se, to uski PI 6 se kam honi chahiye, to hi aap usko GSB के लिए यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग कॉम्पेक्शन अप टू 100 mm थिकनेस स्मूथ व्हील रोलर ऑफ 80 टू 100 किलोन्यूटन एंड अप टू 200 mm थिकनेस वाइब्रेटरी रोलर्स आर यूज्ड एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टू अचीव शुड बी 98% ऑफ MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर GSB, फॉर गुड GSB. Now these are the gradings for GSB. So grading 1, 2 and 5, 5 and 6, these are close graded materials and grading 3 and 4 are coarse graded. Close graded material means there is a grading pattern. So aap dekh rahe honge ki jaise 1, 2 or 5 और 6 में एक पैटर्न है ग्रेडिंग का और 3 और 4 में गैप है ग्रेडिंग में, तो ये कहलाते हैं कोर्स ग्रेडेड। तो यदि आपको वो क्लोज ग्रेडेड कोर्स ग्रेडेड दीज आर कॉल्ड कोर्स ग्रेडेड, यदि आपको क्लोज ग्रेडेड नहीं मिलते तो आप कोर्स ग्रेडेड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें 75, अब इसमें एक देखिए कि इट द सीव रेंजेस फ्रॉम द ग्रेडिंग रेंजेस फ्रॉम 75 mm टू 0.075 mm. मतलब आप देखो रेंज कितनी ज्यादा है, आप इमेजिन करो कि 75 mm का मटेरियल और 0.075 का मटेरियल, मतलब एकदम बारीक मटेरियल। तो ये जो ग्रेडिंग्स है इनको अचीव करने के लिए आपको सिंगल एग्रीगेट में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट्स टू गेट द डिजायर्ड ग्रेड। सो इन लैब यू हैव टू डू द ग्रेडिंग ऑफ वेरियस एग्रीगेट्स and stone dust must be there because the material should passing through 0.075 is less than 5% and all that you are seeing in that. So isme kya karna hai aapko, har ek individual aggregates ke jo aayenge unka grading karna hai and then you have to find out that how much percentage of which materials is to be used to get this grade. So ye this exercise you have to do in the laboratory to find the desired और फिर परसेंटेज फिक्स करके और वो परसेंटेज आपको फील्ड में यूज कर। और इसमें CBR डेफिनेटली लिखा हुआ नहीं है पर CBR इसमें 20-30% ली जाती है। अब इसमें की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ये शॉर्ट में लिखी है मैंने, दैट प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, स्प्रेडिंग एंड कॉम्पेक्शन एंड देन सरफेस फिनिश। नाउ सेक्शन नंबर 404 दैट इज वाटर बाउंड मैकेडम WBM, which is used for subbase and base. ये रोड के सभी लोग रोड के बारे में जानते हैं तो सबको मालूम होगा कि नीचे सबग्रेड होता है, फिर सबबेस होता है, फिर बेस होता है, फिर वियरिंग कोर्स होता है। तो WBM एज ए सबबेस भी यूज कर सकते हैं और एज ए बेस भी यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में सबबेस यूज करते हैं, कुछ केसेस में एज ए बेस यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो कौन सा होगा, क्रश्ड ब्रोकन स्टोन, क्रश्ड स्लैग और बर्न और ब्रिक और ये सब यूज कर सकते हैं। लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू शुड बी लेस देन 40%, इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी लेस देन 30%, कंबाइंड फ्लेकिनेस एलॉन्गेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 35%, द एग्रीगेट शुड नॉट बी फ्लेकी अदरवाइज इट विल क्रश
with when load will come on aggregates. It should not be elongated, otherwise it will fail in bending. तो ये इसीलिए ये इन्होंने लगाया हुआ है कि combined flexness in elongation index should be less than 35. Now, this WBM is a very controlled construction, very time-tested construction. Time-tested कैसे? बहुत टाइम से ये चला रहा है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. अब इसका कारण क्या है? अच्छे रिजल्ट्स क्यों देता है? इसका कारण ये है कि बड़े एग्रीगेट्स, उसके जो गैप होगा उसके अंदर छोटे एग्रीगेट्स और उसके अंदर फिर बाइंडिंग मटेरियल. आप ये जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें तीन तरह की ग्रेडिंग है. एक तो ग्रेडिंग वन एंड टू, जिसको हम G1 एंड G2 बोलते हैं, स्क्रीनिंग ए एंड बी एंड बाइंडिंग मटेरियल. तो तीन तरह के मटेरियल्स हैं इसमें. तो ये बड़े एग्रीगेट्स, उसके गैप में छोटे एग्रीगेट्स और उसके भी जो गैप बचेगा उसमें बाइंडिंग मटेरियल. ऐसा यदि मास होगा तो वो जो होगा वो डेंस मास होगा आफ्टर कॉम्पैक्शन. और इसमें एक आप देख सकते हो जो फील्ड में काम करते हैं उनको पता है ये बात कि जब रोलर उस पे चलता है WBM पे, तो पूरी की पूरी जो WBM की सरफेस है जो 75 mm जो भी होती है या जी, तो वो ऊपर आती है नीचे आती है, पूरी की पूरी 75 ऊपर आती है नीचे आती है, पूरी ऊपर. ऐसा नहीं होता कि एक लेयर कुछ उसमें से पोर्शन ऊपर आ जाए. तो ये इसलिए होता है कि कॉम्पेक्शन प्रॉपर है और इसके अंदर जो इसका डिजाइन है ये बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब ये टाइम टेस्टेड है. अब इसमें देखिए कि G1 और G2 का ग्रेडिंग ये 75 to 22.4 और 63 to 11.2 G2 है. तो ये ग्रेडिंग है. अगेन यू कैन मिक्स द एग्रीगेट्स टू गेट दिस ग्रेडिंग. देन ए एंड बी स्क्रीनिंग्स, तो ये ए और बी का भी ग्रेडिंग दिया हुआ उन्होंने, मतलब ग्रेडेड एग्रीगेट्स, उसके अंदर भी और भी ग्रेडेड एग्रीगेट्स, मतलब आप सोच सकते हो कितना अच्छा कॉम्पैक्टेड मास बनता है इसका. यदि प्रॉपर सुपरविजन किया जाए तो WBM बहुत अच्छी लेयर बनती है. ये PMGSY वाले इसको जो इंजीनियर्स है बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा WBM बनाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे NQM SQM जाते हैं जब टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिलते हैं. और भाई इसके बाद में फिर बाइंडिंग मटेरियल वो भी यूज होता है इसमें. अब इसमें मैंने आपको कहा कि कंट्रोल कंस्ट्रक्शन WBM, तो ये क्यों कंट्रोल कंस्ट्रक्शन? वो इसलिए कि इन्होंने क्वांटिटी भी फिक्स कर दी है. कैसे क्वांटिटी फिक्स कर दी है? ये लिखा है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड स्क्रीनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर 75 mm कॉम्पैक्टेड थिकनेस ऑफ WBM सब बेस और बेस कोर्स फॉर 10 square meter एरिया. मतलब इन्होंने कहा है कि यदि 75 mm की थिकनेस है और 10 square meter सरफेस एरिया है तो इतना मटेरियल आपको यूज करना होगा. मतलब यदि कॉम्पेक्शन के बाद कुछ एरिया पर्टिकुलर खोदा जाए और उसमें से मटेरियल निकालना जाए तो वो उतना मटेरियल यदि नहीं मिलता है, मतलब आपने वो मटेरियल उतना यूज नहीं किया. तो इसलिए ये आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट दिस इज अ कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन. दे हैव गिवन दैट लूज क्वांटिटी शुड बी बिटवीन 0.91 to 1.07 क्यूबिक मीटर शुड बी यूज. एंड फॉर स्क्रीनिंग ऑल्सो दे हैव गिवन एंड फॉर बाइंडिंग मटेरियल ऑल्सो दे हैव गिवन. यू कैन सी सेक्शन नंबर 401. देन कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, प्रिपरेशन ऑफ बेस, सब सरफेस ड्रेनेज लेयर, लेटरल कन्फाइनमेंट मस्ट बी देयर, अदरवाइज भागेंगे एग्रीगेट्स इधर उधर, तो उनको भागने नहीं देना है अपने को, शोल्डर का मटेरियल पुट अप करना है. स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट, रोलिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग, सेटिंग एंड ड्राई. देन 406, दैट इज WMM, वेट मिक्स मैकेडम. अब ये इसको आप ऐसे समझिए कि सीमेंट कॉन्क्रीट जैसा होता है. तो सीमेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट उसको मिक्सर में मिक्स करके डालते हैं. सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है, पर इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं. ये इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो कौन सा होगा? क्रश्ड ग्रेडेड एग्रीगेट्स, ग्रेन्यूलर मटेरियल, प्रीमिक्स विथ वाटर. प्रीमिक्स है ये.
सिंगल कॉम्पैक्टेड वेट मिक्स मैकेडम लेयर शेल नॉट बी लेस देन 75 mm, और ये वाइब्रेटरी इक्विपमेंट जो होगा वो 200 mm के लिए यूज होगा। डेफिनेटली जब थिकनेस ज्यादा होगी तो वाइब्रेशन आपको वाइब्रेटरी रोलर से ही करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे की लेयर रह जाएगी कॉम्पैक्ट होने के से। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सीमेंट कॉन्क्रीट जैसा है ये, तो सीमेंट कॉन्क्रीट जैसा है मतलब ये देखिए आप इसमें कि ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट फॉर WMM, तो ये क्या है 53 to 75 micron, 53 mm to 75 micron, इतने बड़े से लेके इतने छोटे तक सभी एग्रीगेट्स। तो अगेन यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट्स टू गेट द डिजायर्ड ग्रेडिंग, एंड देन यू हैव टू मिक्स इट इन द मिक्सर एंड देन पुट द वाटर एंड देन ले इट ऑन द फील्ड। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ WMM. So WBM and WBM are different. WBM जो है वो unskilled labor भी कर सकते हैं और करते ही हैं, और WMM में ये difference है कि इसमें आपको mixer की जरूरत ही है। यदि remote place में जाना हो तो mixer नहीं होता है कई बार, तो उस समय फिर WBM use करते हैं, पर WBM ही extensively use होता है, कहीं कहीं WMM भी use होता है। ऐसे बहुत नई नहीं है technique, पर बहुत WBM जैसी एकदम इतनी पुरानी भी थी। ये स्टेप्स है इसके, प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रोविजन ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मिक्स, स्प्रेडिंग ऑफ मिक्स। प्रिपरेशन ऑफ मिक्स मतलब वो सबको मिक्स करके और डिजायर ग्रेडिंग तक लाना, स्प्रेडिंग ऑफ मिक्स, कॉम्पेक्शन, सेटिंग एंड ड्राइंग, इसके डिटेल आप कोड में देख सकते हो पूरा। नाउ सेक्शन नंबर 500, दैट इज बिटुमिनस। तो अब इसमें ये देखिए आप, देर आर 20 सबसेक्शन। सो इम्पॉर्टेंट आर प्राइम कोट, टेक कोट, BM दैट इज बिटुमिनस मैकेडम, DBM दैट इज डेंस बिटुमिनस मैकेडम, उसके बाद में BC इम्पॉर्टेंट है। पहले कभी SDBC हुआ करता था, पर अब ये नए इसमें उन्होंने SDBC हटा दिया क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, तो ये बिटुमिनस कॉन्क्रीट कर दिया है उन्होंने। फिर ओपन ग्रेडेड, जो रूरल वाले जो लोग हैं वो रूरल वाले इसमें होंगे कुछ लोग, तो वो OGPC यूज करते हैं 510, उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होता है। 511 511 सील कोट है, और बाकी जो है 512 512 513 दीज आर यूज इन सम स्पेसिफिक केसेस, कहीं क्रैक्स हैं तो उसके लिए, या फिर कहीं इंटरसेक्शन है तो उसके लिए, ऐसे स्पेसिफिक केसेस के लिए ये यूज होते हैं। पर मेनली जो आपको ध्यान करना है वो करना है प्राइम कोट, टेक कोट, सील कोट, BM, DBM, BC, OGPC और सील कोड, ये इतने जो है वो इन जनरल यूज में आते हैं। नाउ प्राइम कोट, प्राइम कोट, इन प्राइम कोट इमल्शन में भी यूज और कटबैक में भी यूज। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड कटबैक, यू नो वेरी वेल दैट इमल्शन इज नॉट, इमल्शन इज इको फ्रेंडली बट कटबैक इज नॉट इको फ्रेंडली। वाई? बिकॉज द इन कटबैक बिटुमेन इज डिजॉल्व इन वोलेटाइल डाइल्यूएंट विच विल वोलेटाइल एंड इट विल गो इन द एनवायरमेंट एंड इट विल पोल्यूट द सिस्टम। दैट्स वाई कटबैक शुड नॉट बी यूज, बट बिटुमेन इमल्शन इज अ कोल्ड मिक्स, और ये बिटुमेन इमल्शन जो है वो इट इज एज पर 888-7 एंड इट इज एज पर IS-217, और जो बिटुमेन है जो पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन होता है दैट इज एज पर IS-73। पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन से विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमेन का रिलेशन भी है, पहले पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन यूज होता था, अभी उसको VG-10, VG-20, VG-30 ऐसा बोला जाता है। नाउ In this, quantity of bitumen emulsion for various types of granular surfaces is also fixed. That's why it is a very good construction. बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें quantity fix है, rate of spray fix है। तो ये rate of spray इतना होना चाहिए। Rate of spray आप ऐसा निकाल सकते हैं कि एक कागज वहां पे कर लीजिए, उसका एरिया आप निकाल लीजिए और उसमें कितना वेट आया ये आप देख लीजिए, तो आपको rate of spray मालूम पड़ जाएगा उसमें। तो kg पर स्क्वेयर मीटर, उस कागज के इसमें अखबार के ऊपर कितना आया, उसी रेट आपको वही रखनी पड़ेगी स्प्रे की, तभी ये आ पाएगा।
तो ये कटबैक का भी दिया है, पर कटबैक जो है वो जनरली यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इट इज नॉट इको फ्रेंडली। टेक कोट भी सेम है। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन क्राइम कोट एंड टेक कोट में क्या है? क्राइम कोट जो होता है वो WBM और WMM जो कि ग्रेन्युलर सर्फेसेस, जो कि नॉन बिटुमिनस सर्फेस, उस पे जो इमल्शन का कोट यूज होता है वो कहलाता है प्राइम कोट। प्राइम मतलब सबसे पहला, प्राइम मतलब सबसे पहला। तो सबसे पहला कोट जो है वो कौन सा होता है? बिटुमेन इमल्शन का, विच इज नोन एज प्राइम कोट। नाउ टेक कोट, टेक कोट जो है तो टेक कोट ऑलरेडी कोई बिटुमिनस सरफेस है या फिर अभी नया बनाया हुआ है, तो उस पे जो कोट आएगा वो आएगा टेक कोट, और उसकी क्वांटिटीज जो है वो उन्होंने दी है। डेफिनेटली टेक कोट की क्वांटिटीज प्राइम कोट के कंपैरिजन में कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? बिकॉज द प्राइम कोट विल पेनेट्रेट इनटू द पोर्स ऑफ WBM एंड WMM व्हिच आर मोर पोरस देन द सरफेस व्हिच इज ऑलरेडी बिटुमिनस, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी कम है और प्राइम कोट की क्वांटिटी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये देख समझ लो इसको कि प्राइम कोट और टेक कोट दोनों में ये डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये व्हाट इज प्राइम कोट है, व्हाट इज टेक कोट, तो ये है। और इन्होंने ये क्वांटिटीज दे हैव गिवन इट। देन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेस, एप्लीकेशन ऑफ टेक कोट, क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब उसको कितने देर तक रखना, उसको क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग मतलब ये नहीं कि पानी डाल, क्यूरिंग मतलब उसको कितनी देर तक रखना और उसके बाद में ट्रैफिक अलाउ करना। नाउ BM, BM मींस बिटुमिनस मिकेडम। अब ये BM की जो थिकनेस वेरी, इट वेरीज फ्रॉम 50 to 100 mm, एंड द मटेरियल यूज्ड आर बिटुमेन, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन। दिस इज प्रीमिक्स, प्रीमिक्स मतलब हॉट मिक्स प्लांट में इसको तैयार किया जाए। अब नाउ हियर द बिटुमेन यूज्ड मे बी 80-100। अब ये मैंने बताया आपको पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन आपको पता होगा, तो 80-100, 60-80 ऐसा बोलते हैं हम। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो बिटुमेन ग्रेड विस्कोसिटी, बिटुमेन ग्रेड बिटुमेन वीजी, वीजी लिखा है, वीजी 10, वीजी 20, वीजी 30, वीजी 40, इस तरीके से ये लिखा हुआ, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो है। अब इसमें जब भी इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? दैट मिक्सिंग, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर्स फॉर बिटुमिनस मिक्सेस, सो दिस टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन द फील्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो कुछ जो टेम्परेचर है जैसे वीजी 40-30 इन सब के लिए जो दिया है बिटुमेन टेम्परेचर, एग्रीगेट टेम्परेचर, तो ये दोनों टेम्परेचर आपको हॉट मिक्स प्लांट पे लेना। तो इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये 100 से ऊपर है, कैसे करें, कैसे होगा? तो द थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड एंड यू हैव टू सी द टेम्परेचर, एंड इफ द टेम्परेचर्स आर लेस देन यू शुड रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो बिटुमेन टेम्परेचर, एग्रीगेट टेम्परेचर, मिक्स मटेरियल टेम्परेचर, लेइंग टेम्परेचर, रोलिंग टेम्परेचर। तो लेइंग और रोलिंग और मिक्स मटेरियल ये सब आपको फील्ड में जैसे ही ट्रक आता है उसमें थर्मामीटर डाल के और आपको जो है वो टेम्परेचर इसके देखने होते हैं, ये जरूरी है। और यदि ये टेम्परेचर नहीं है तो आप उस लोड को बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपने ठंडा मटेरियल डाल दिया तो इट विल नॉट सॉल्व द पर्पज एंड द रोड विल नॉट, मतलब वो रोड जो है वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई। अब ये जो ग्रेडिंग आपको यूज करना है BM में, दिस टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग्स आर देयर। सो फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज लेयर थिकनेस, अब नाउ द लेयर थिकनेस इज बिटवीन 80 to 100, दिस बिटवीन 50 to 75, दिस ग्रेडिंग इज यूज। अगेन टू गेट दिस ग्रेडिंग यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट, दिस इज ऑल दैट इज ऑलवेज देयर दैट यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट, बिकॉज द सीव साइज रेंजिंग फ्रॉम 45 mm to 0.07, एंड द बिटवीन परसेंटेज हियर इज 3.3 to 3.4%। पहले जो है वो 3.1 to 3.5 था, पर अब उन्होंने ये बढ़ा दिया है क्योंकि बीच में BM के साथ बहुत शिकायतें आ रही थी कि BM अच्छा नहीं है, तो फिर उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया। इसके पहले वाला जो था वो जो कोड था इसके रिविजन के पहले वाला, तो उसमें 3.1 था, पर अभी इन्होंने अच्छा कर दिया है तो इसको ले लिया है।
Now the preparation of base, take code, preparation and transportation of mix, spreading, rolling, ESC steps. Now DBM. DBM is dense bituminous material. ये BM से और अच्छा कंस्ट्रक्शन, जहां ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा लोड हो, सीवीपीडी ज्यादा हो. सीवीपीडी मीन्स कमर्शियल व्हीकल पर डे. ये यदि जहां पे ज्यादा हो तो वहां पे DBM का यूज करना है. तो लेयर्स कैसी होती है? नीचे GSB होती है, नीचे तो आपकी सॉइल रहेगी, फिर एम्बेगमेंट रहेगा, फिर सब बेस रहेगा, फिर बेस, हेलो, फिर सब बेस रहेगा, फिर बेस रहेगा, उसके बाद में सब बेस में GSB रहेगा, बेस में WBM या WMM रहेगा, उसके ऊपर DBM रहेगा या BM रहेगा, BM और DBM रहेगा, और उसके ऊपर फिर BC रहेगा. ये मैं जो सेक्शन बता रही हूँ, ये आपका सेक्शन, ये सेक्शन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर एक्सप्रेस हाईवे, जो अच्छा सेक्शन है उसके लिए बताया. और रूरल रोड के लिए अलग है. रूरल रोड के लिए है एम्बेगमेंट, GSB और WBM और WMM और OGPC विद सील कोड. 20 mm का OGPC विद सील कोड लिया जाता है. और DBM इज यूज्ड मेनली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन बेस बाइंडर एंड प्रोफाइल करेक्ट. द थिकनेस ऑफ सिंगल लेयर शेल बी 50 mm टू 100 mm. ये मटेरियल है इसमें यूज होने वाले. That is bitumen, coarse aggregate, fine aggregate filler. Hello, ma'am. Not filler. Time... Hello, ma'am. Yes, you can see from the code. Now this is the grading for DBM. So you have to mix the aggregates to get the desired grading. This is for different thicknesses. So यदि thickness 75 और 100 के बीच में हो तो ग्रेडिंग नंबर 1 यूज करेंगे. इफ द थिकनेस ऑफ DBM इज बिटवीन 50 to 75, देन ग्रेडिंग नंबर 2 इज यूज्ड. नाउ हियर इन DBM, व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग द DBM, देन यू हैव टू गिव द ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर. मतलब कॉन्ट्रैक्टर को ये बताना पड़ेगा आपको कि कितना परसेंटेज बिटुमेन आपको मिलाना है. तो ये जो परसेंटेज बिटुमेन जो कॉन्ट्रेक्टर मिलाता है ना, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट, एंड दैट इज कैन बी फाइंड आउट यूजिंग जॉब मिक्स फॉर. तो जॉब मिक्स फार्मूला इज नॉट ए फार्मूला बट इट इज अ डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच अ कॉन्ट्रेक्टर शुड सबमिट टू द इंजीनियर्स हु इज इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क 15 डेज प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्क. तो जब भी स्टार्ट होने वाला होगा उसके 15 दिन पहले उसके पास जॉब मिक्स फार्मूले के डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाना चाहिए. ये कॉन्ट्रेक्टर पहुंचाएगा. तो व्हाट जॉब मिक्स फार्मूला कंटेंट्स, सोर्स एंड लोकेशन ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल कहाँ से लाया गया है वो सब बताएगा उसमें. एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑफ बाइंडर, टेस्ट रिजल्ट उसके होना चाहिए उसके अंदर. ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कौन सा ग्रेडिंग यूज कर रहे हो आप एग्रीगेट का, एग्रीगेट कैसे यूज कर रहे हो. कंबाइंड ग्रेडिंग, विच ग्रेडिंग यू विल बी यूजिंग. देन मार्शल रिजल्ट्स मस्ट बी गिवन इन दैट. दैट इज VMA, VFB, परसेंट वॉइड, फ्लो, मार्शल दिस स्टेबिलिटी, ऑल दिस दे मस्ट बी गिवन. एंड ही मस्ट राइट द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिक्सिंग टेम्परेचर एंड कॉम्पैक्टिंग टेम्परेचर. कि मैं मिक्सिंग के टाइम ये टेम्परेचर रखूंगा और कॉम्पैक्टिंग के टाइम ये टेम्परेचर रखूंगा. अब ये जो कॉन्ट्रेक्टर जॉब मिक्स फार्मूला देगा इंजीनियर को, तो ये जॉब मिक्स फार्मूला वो किसी एथेंटिक लैब से करवाएगा, बनवाएगा. कैसे बनवाएगा? कि वो मटेरियल एथेंटिक लैब को देगा, लैब जो है उसको पूरा टेस्ट करके, मार्शल टेस्ट करके, मिक्सिंग करके और ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट निकाल के देगी. और जो है वो ये वाली जो टेबल आपको दी है, बताई हुई है, रिक्वायरमेंट फॉर डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम. तो ये रिक्वायरमेंट को अचीव करते हुए एथेंटिक लैब उसको जॉब मिक्स फार्मूला बना के देगी कॉन्ट्रेक्टर को, और वो कॉन्ट्रेक्टर जो है वो इंजीनियर को सबमिट.
सो दिस इज द प्रोसीजर. ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्टर खुद ही बना ले और खुद ही करके और दे दे अपने साइन कर, उसको ऑथेंटिक लैब से करवाना जरूरी है. और ये जो इसका बिटुमेन जो है परसेंटेज करीब करीब 5.5 से लेके 6% तक, 5.8 तक परसेंट तक का बिटुमेन, इसमें 6% तो बीसी में यूज होता है, तो इतना बिटुमेन 5.7% बिटुमेन इसमें आता है. और उसमें मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट बी के लड़कों ने, एमई के लड़कों ने की हुई है, तो उसमें अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं और काफी लंबी प्रोसीजर है, पर वो प्रोसीजर करके और फिर ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट निकाल के और पूरी रिपोर्ट अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना के और वो कॉन्ट्रेक्टर को देना होता है. सो वी हैव डन लॉट ऑफ कंसल्टेंसी रिगार्डिंग दिस इन आवर इंस्टीट्यूट. नाउ दीज आर द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्राइम कोट इज टू बी लेड, टेक कोट इज टू बी लेड, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्स, दैट इज बिकॉज इट इज अ प्री मिक्सड एंड फ्रॉम हॉट मिक्स प्लांट इट इज टू बी ब्रॉट टू द साइट, और वहां पे फिर मिक्सिंग टेम्परेचर देखना, ये सब करना पड़ता है, देन स्प्रेडिंग एंड रोलिंग. तो इसके डिटेल्स जो है वो उसमें कोड में दिए हुए हैं, वो अभी मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया हुआ. नाउ बिटुमिनस कॉन्क्रीट, अब बिटुमिनस कॉन्क्रीट में दिस इज अ सिंगल लेयर, ये बहुत बहुत रिच लेयर, बहुत अच्छी लेयर. ये लेयर जो है वो टॉप लेयर है और एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे या जहाँ ज्यादा CVPD है ऐसी रोड के लिए ये टॉप लेयर जो है वो BC की बनाई जाती है. तो सिंगल लेयर शेल बी 30, 40, 50 mm थिक. मटेरियल इसमें कौन कौन सा यूज होगा, बिटुमेन एज पर IS 73, है ना, IS 73 कटबैक और वो नहीं, IS 73 वाला बिटुमेन मतलब पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन या फिर विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमेन जो अभी उसको बोलते हैं. कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड फिलर, फिलर के सेम वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने पहले बताए थे. और द ग्रेडिंग विच शुड बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ग्रेडिंग वन ग्रेडिंग टू में बी यूज फॉर वेरियस थिकनेसेस, अलग अलग थिकनेसेस के लिए अलग अलग ग्रेडिंग है डिपेंडिंग अपॉन द नॉमिनल एग्रीगेट साइज. जैसे 19 mm है तो उसके लिए 50 mm थिक दे दिया, और 13.2 mm यदि मैक्सिमम साइज है तो 30 to 40 mm, ऐसा उल्टा बोलो कि 30 to 40 mm यदि थिकनेस का बीसी डालना है तो उसके लिए 13.2 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ. एंड ये जो दिया हुआ है देखिए आप इसमें कि 5.2 मिनिमम दिया है, इसमें मिनिमम 5.2 मिनिमम 5.4. अब ये देखिए सेकेंड में जो है वो ज्यादा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये फाइन एग्रीगेट्स है और फाइन यदि ग्रेडिंग होगी तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बिटुमेन भी ज्यादा लगेगा, 6% तक का भी बिटुमेन इसमें आ जाता है. अब इसकी जो स्टेप्स है क्या क्या है कि वेदर एंड सीजनल लिमिटेशंस है उसके, प्रिपरेशन ऑफ बेस, टेक कोट वो जो इमल्शन है उससे, वो रेट ऑफ स्प्रेड वगैरह सब देखना है, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्स, स्प्रेडिंग एंड देन रोलिंग. तो रोलर्स भी क्या कि कौन सा 80 to 100 kN रोलर होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, उसका जो कॉम्पेक्शन करते हैं उसको ओवरलैप कितना होना चाहिए और कॉर्नर से लेके सेंटर तक आना चाहिए या सेंटर से, ये सब डिटेल्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में दिए गए, तभी तो इतना वो 1000 pages का ये कोड बना हुआ. देन OGPC ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट, ये जो है ये रूरल रोड वाले यूज करते हैं, PMGSY. तो अब ये देखिए इसकी लैंग्वेज, द वर्क शेल कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन, लेइंग एंड कॉम्पेक्शन ऑफ एन ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सर्फेसिंग ऑफ 20 mm थिकनेस कंपोज ऑफ स्मॉल साइज एग्रीगेट प्रीमिक्सड विथ ए कैटियोनिक बिटुमेन इमल्शन ऑन अ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सर्फेस. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ स्कोप ऑफ द वर्क, हर एक सेक्शन में आपको इसी तरह की लैंग्वेज मिले. तो ये जो है वो कैटियोनिक बिटुमेन इमल्शन दो तरह के है, कैटियोनिक और एनियोनिक. तो जो एग्रीगेट्स जो होते हैं उनपे भी कुछ चार्ज होता है, तो जो कैटियोनिक बिटुमेन इमल्शन है वो उसके अपोजिट चार्ज वाले एग्रीगेट्स के लिए यूज होंगे और एनियोनिक जो है उसके अपोजिट चार्ज के लिए. तो अपने जो बिटुमेन है जो सॉरी एग्रीगेट्स है ब्लैक ट्रैप या
ये जो भी एग्रीगेट्स हैं बीटी मेटल्स, उसके लिए कैटियोनिक बिटुमन इमल्शन इज सुटेबल, क्योंकि दोनों का अपोजिट चार्ज है और वो अट्रैक्ट करते हैं. और द मटेरियल यूज बाइंडर एंड एग्रीगेट्स. अब इसमें देखिए, ये इन्होंने ये ग्रेडिंग नहीं है इसका, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कोर्स क्वांटिटीज ऑफ एग्रीगेट फॉर 10 स्क्वायर मीटर एरिया. तो कोर्स एग्रीगेट नॉमिनल 13.2 mm साइज पासिंग IS 22.4 mm सीयू एंड रिटेन. ग्रेडिंग नहीं दिया है, उन्होंने कहा इसमें से पासिंग, इस पे रिटेन इतने ले लो बस ऐसा बोला. और कोर्स एग्रीगेट इतने से इतने तक के इतने ले लो और टोटल इतना ले, और बाइंडर आप इतना ले, ऐसा उन्होंने इसमें बोला हुआ है. कि इसमें OGPC ओपन ग्रेडेड, ओपन मैंने बताया ना, ओपन ग्रेडेड और क्लोज ग्रेडेड. ओपन ग्रेडेड मतलब एक से पासिंग एक पे रिटेन, उसको बोलते हैं ओपन ग्रेडेड. क्लोज ग्रेडेड मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रेडिंग पैटर्न विच यू हैव टू फॉलो, दैट इज नोन एज क्लोज ग्रेडेड. नाउ कंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सर्फेस, प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर, देन टेक कोट, प्रिपरेशन ऑफ प्रीमिक्स, स्प्रेडिंग एंड रोलिंग, एंड देन सील कोट. यस, OGPC पे सील कोट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि उसका सरफेस थोड़ा सा रफ रह जाता है, तो उस पर वो सील कोट डालते हैं. तो ये है सील कोट. तो सील कोट क्या है, फॉर सीलिंग द वॉइड्स इन द बिटुमिनस सरफेस लेड टू द स्पेसिफाइड लेवल्स ग्रेड एंड क्रॉस वॉइड्स. दो टाइप के, ए टाइप बी टाइप. लिक्विड सील कोट कंप्राइजिंग ऑफ लेयर ऑफ बिटुमिनस बाइंडर फॉलोड बाय कवर ऑफ स्टोन चिप्स. बिटुमिनस बाइंडर ले कर दीजिए, उस पर स्टोन चिप्स डाल दीजिए, पर ये जनरली यूज नहीं होता है, पहले होता था. बी में प्रीमिक्स सील कोट कंप्राइजिंग ऑफ थिन एप्लीकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रीमिक्सड विद बिटुमिनस बाइंडर. तो ये PMGSY वाले ये बी वाला यूज करते हैं, कि एक से पासिंग एक पे रिटेन, उतना बिटुमिन उसमें डाल दिया, उसको मिक्स कर लिया और हॉट मिक्स, और उसको फिर उसको OGPC पे सील करने के लिए यूज किया. नो, कुछ स्पेशल टाइप के भी हैं इसमें, जैसे स्लरी सील है. स्लरी सील जो है वो क्रैक्स के लिए काम आता है, जैसे टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री दिया हुआ है इसमें. जैसे 2-3 mm के क्रैक्स हो, या 4-6 mm के क्रैक्स हो, या 6-8 mm के क्रैक्स हो, तो इसमें एग्रीगेट, फिलर, वाटर, एडिटिव, तो इमल्शन जनरली यूज इसमें होता है. इसमें इमल्शन भी आप थ्री तरह के, स्लो सेटिंग, मीडियम सेटिंग, और इसके और अलग अलग टाइप्स हैं. तो इसमें स्लो सेटिंग वाला यूज करते हैं. अब एक है फॉग स्प्रे. तो फॉग स्प्रे इट वर्क कवर्स अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी बिटुमेन इमल्शन फॉर द पर्पज ऑफ सीलिंग क्रैक्स लेस देन 3 mm वाइड. ये भी यूज करते हैं कुछ लोग. तो फॉग स्प्रे ये इसमें इमल्शन 887 के हिसाब से किया जाता है. देन मेस्टिक एसफाल्ट, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है. इन जनरल ये इंटरसेक्शन पे यूज होता है. तो इंटरसेक्शन पे क्या होता है, स्टैंडिंग व्हीकल्स ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे ये मेस्टिक एसफाल्ट यूज होता है. तो ये क्या है, एक बहुत बहुत अच्छा टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि बिटुमेन का परसेंटेज भी ज्यादा है. और मेस्टिक एसफाल्ट इज एन इंटीमेट होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलेक्टेड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, सिलेक्टेड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमेन इन सच प्रोपोर्शन एज टू यील्ड ए प्लास्टिक एंड वॉइडलेस मास. बहुत अच्छा मास मिलता है, बड़ा बढ़िया सर्विस उसका दिखता है. विच वेन अप्लाइड हॉट कैन बी ट्रावल्ड एंड फ्लोटेड टू फॉर अ वेरी डेंस इम्परमिएबल सर्विस. बहुत बढ़िया इसका सर्फेस हमको मिलता है, और इसमें बहुत केयरफुली इसको करना पड़ता है, इसका मटेरियल भी बहुत केयरफुली लेना पड़ता है. तो वो डिटेल उसमें दिए हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिया मैंने. तो मटेरियल्स में बाइंडर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, ये मटेरियल इसमें यूज होता है. नाउ सेक्शन नंबर 900, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, विच डील्स विथ क्वालिटी कंट्रोल इशूज. अब क्वालिटी कंट्रोल इशूज में कैसे, कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्वालिटी का है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको ये भी देखना है कि थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं, इरेगुलरिटीज है कि नहीं, मटेरियल प्रॉपर आया है कि नहीं,
उसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है, तब कहीं जाके वो रोड अच्छी आपको मिलती है। तो जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ PMGSY का, तो PMGSY का स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमारे इंजीनियर्स जो हमारे पास आते हैं तो वो तो है ही, वो तो देखते ही है काम। कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, SQM अलग होते हैं। SQM मीन्स स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, मतलब उसी स्टेट का कोई रिटायर्ड इंजीनियर आके वहां क्वालिटी कंट्रोल वर्क देखेगा। NQM मतलब नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स, मतलब वो बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं और वो पूरा क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं और उसका उनका एक प्रोफार्मा है कि पर्टिकुलर रोड यदि वो विजिट करेंगे तो वो उस पर बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे और फील्ड डेंसिटी निकालेंगे, दूसरे टेस्ट देखेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और एक पूरा प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को भरना होता है। SQM भी भरेगा, NQM भी भरेगा और वो प्रोफार्मा फिर NRIDIA में सबमिट होता है और उसके बाद में वो देखते हैं कि ये जो NQM ने ये प्रॉपर काम किया है कि, मतलब NQM ने जो रिपोर्ट किया, NQM तो नहीं करवाएगा पर जो रिपोर्ट किया है वो उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट किया है कि नहीं, कि ऐसे ही भर दिया है। इस तरीके से भी चीजें होती है सब। तो ये इन्होंने PMGSY ने ये बहुत अच्छी स्टेप, ये जो स्कीम ही है ये बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा ही तारीफ करती हूँ इसकी और सभी लोग करते हैं पूरे नेशनल वाइड, ये मालूम है सबको। तो इसमें इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और क्वालिटी मिलती है वो। तो NQM और SQM के जो प्रोफार्मास थे उनको मैं चेक करने गई हूँ, कई बार भोपाल गई हूँ, कई बार दिल्ली गई हूँ NRIDIA में, तो उनके NQM के पूरे प्रोफार्मा वो मालूम पड़ जाता है कि ये इन्होंने ऐसे ही भरे हैं या इनके जो रिजल्ट्स है ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये पूरा ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज का मैंने इसीलिए इतना बताया इसके बारे में कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि आपने रोड बनाई और इतना सारा पैसा उसमें लगाया हुआ है तो यदि आपने क्वालिटी नहीं दी है तो आपका जो गवर्नमेंट का पैसा है पूरा वेस्ट जाता है। और आजकल तो मैं आपको ये PMGSY का बता रही हूँ, तो इसमें तो आजकल गांव वाले भी इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो साइट पे आते हैं, देखते हैं और वो बोलते हैं, वो पूछते हैं कि CBR क्या है इसकी, जबकि CBR उनको पता क्या, CBR क्या है मालूम, पर फिर भी मतलब इतना अवेयरनेस आ गई है लोगों। तो हमको जो हमारी ड्यूटी है इंजीनियर्स की कि हमको अच्छी रोड देना है, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को हमको जरूर एड्रेस करना। तो 901 जनरल, 902 कंट्रोल ऑफ अलाइनमेंट लेवल एंड सर्विस रेगुलरिटीज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसे तीन इन्होंने इसमें सब सेक्शंस दिए हुए। तो अब ये वन बाय वन अपन देखते हैं। तो 900-1 मतलब ये फर्स्ट टेबल क्या कहता है, टॉलरेंस इन सरफेस लेवल्स, मतलब हम सरफेस लेवल को कितना टॉलरेट करें, किस किस केस में कितना टॉलरेट करें, सब ग्रेड के केस में कितना टॉलरेट करेंगे प्लस माइनस 20 mm, सब बेस के केस में फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितना टॉलरेट करेंगे प्लस माइनस 10 mm, कॉन्क्रीट पेमेंट में प्लस माइनस 6 mm, बेस कोर्स फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लस माइनस 6 mm, प्लस माइनस 10 mm, प्लस माइनस 15 mm फॉर ग्रेन्युलर एंड देन फॉर वेरियस कोर्सेस। सो दिस इज द रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर वेरियस लेयर्स एंड इट शुड बी फॉलोड इन द फील्ड फॉर बेटर क्वालिटी का। नाउ दिस सेकेंड टेबल 900-2 इज फॉर मैक्सिमम परमिटेड नंबर ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। अभी जो हमको रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हुए दो, उसमें एक वेट मिक्स मैकेडम का दिस कोल्ड मिक्स का है और एक प्लास्टिक का है, उसमें हमको रफनेस निकालनी है, चाहे मरलिन से निकालनी हो, मरलिन एक इक्विपमेंट है जो साइकिल जैसा दिखता है, बहुत से लोगों को पता होगा, तो उसको चला के और उसका उसकी इवन अनइवननेस हमको देखनी है। तो ये इन्होंने रूरल रोड में भी ये सब किया है तो अर्बन में तो करना ही है हमको। तो रेगुलरिटी इसके बारे में क्या कहता है कोड, दैट सरफेसेस ऑफ कैरिजवे एंड पेव्ड शोल्डर्स, उसके लिए ये दी हुई है 4-4 mm, इरेगुलरिटीज के लिए
300 लेंथ हो यदि, तो नंबर ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेस हाईवेज में 15 अलाउड है, ऐसा बोलता है वो। और नंबर ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज ऑन रोड्स ऑफ लोअर कैटेगरीज में 40 अलाउड है। तो कितना कितना किस किस के लिए अलाउड है ये सब इन्होंने दिया है, इरेगुलरिटीज 4 mm, 7 mm और वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्फेसिस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और इनकी लेंथ भी दिए, इरेगुलरिटी दिए और नंबर दिए। तो ये जो टेबल है ये फॉलो करना होता है फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल। नाउ 900-3 ये टेबल बताती है आपको दैट व्हाट आर द वेरियस टेस्ट दैट शुड बी कंडक्टेड ऑन फॉर पर्टिकुलर टाइप कंस्ट्रक्शन एंड देयर फ्रीक्वेंसी। So what they have given that control test and their minimum frequency for subbases and base. Subbases and base के लिए अलग है, wearing cores के लिए अलग table। तो जैसे मान लो granular लिखा है, मतलब GSB। अब GSB में आप murum use किया जाता है, तो murum में जो जो test होते हैं वो सब test उसमें होंगे। So what are the tests? Gradation, Atterberg's limit, then this moisture content, Tendency of compact layer, deleterious constituent, CBR। तो ये सब टेस्ट वहां पे लगाने होंगे। और कितने लगाने होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 test per 400 cubic meter। Although I know that these are large number of tests, क्योंकि ये कई बार होता है कि ये इतने सारे टेस्ट कैसे करेंगे। हमारे पास भी एक आईडी की कंसल्टेंसी आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई IRC के हिसाब से 900 के हिसाब से टेस्ट करो, तो हमने निकाल के दिए थे, तो इतने सारे टेस्ट करने पड़ रहे थे। तो ये दिया है इन्होंने हालांकि कि 1 test per 400 cubic meter, फिर ये 1 test per 400 cubic meter, तो ऐसे सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है उन्होंने, जो हमने देखे ना 401 402 403। तो 401 के लिए क्या, 402 के लिए कौन कौन से टेस्ट, तो जो जिसमें मटेरियल यूज होता है वैसे उस तरीके के टेस्ट होते हैं उसमें। WBM, अब WBM में एग्रीगेट्स यूज होते हैं, तो एग्रीगेट्स में इम्पैक्ट, ग्रेडिंग, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी इलॉन्गेशन इंडेक्स, फिर जो है वो बाइंडिंग मटेरियल के लिए है ना, तो ये सब टेस्ट है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेट मिक्स मैकेडम के लिए भी दिया हुआ उन्होंने, तो हमारे पास जैसे डिजाइन के लिए आता है, कंसल्टेंसी आती है वेट मिक्स मैकेडम की, कि वेट मिक्स मैकेडम डिजाइन करके दीजिए हमको, तो वो अलग अलग बैग्स में मटेरियल लाते हैं, फिर हमको ग्रेडिंग करके और उसका हम बताते हैं कि भाई इस प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करो और ये तो आपका वेट मिक्स मैकेडम का मटेरियल आपको मिलेगा। और आपकी उसकी हम PI और LL चेक करते हैं कि PI LL यदि विद इन लिमिट है 25% से कम और 6 से कम हो यदि है तो फिर वो मटेरियल ठीक है, नहीं तो नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। ये जो है, ये जो टेबल है 900-4 कंट्रोल टेस्ट फॉर बिटुमिनस वर्क, पहला वाला जो था वो नॉन बिटुमिनस वर्क का, 900-3 वाली। अब ये जो 4 वाली है ये कौन सी, बिटुमिनस के लिए। तो प्राइम कोट, टेक कोट, इन सब के लिए जो है वो उसमें बाइंडर यूज होगा डेफिनेटली, तो बाइंडर के जो टेस्ट होंगे वो सब लगाए जाएंगे, पेनिट्रेशन, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी, ये सब जितने भी टेस्ट है वो सब लगाए जाते हैं उसमें। सील कोट में एग्रीगेट, जहां एग्रीगेट यूज होगा उसके एग्रीगेट के टेस्ट होंगे, और जहां बिटुमेन होगा वहां बिटुमेन के टेस्ट होंगे। जैसे OGPC ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट जो रूरल रोड वाले करते हैं, तो उनके लिए ये सब टेस्ट है। एग्रीगेट में एक स्ट्रिपिंग टेस्ट होती है, स्ट्रिपिंग कई बार बिटुमेन के साथ में उसका एडेशन अच्छा नहीं होता है, तो वो ऐसे एग्रीगेट यूज नहीं करना है हमको जो कि जिसका बिटुमेन के साथ में एडिशन अच्छा नहीं हो, तो वो बिटुमेन स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है एक बिटुमेन इस केस में, रोड केस में। और एक साउंडनेस टेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउंडनेस से हमको वेदरिंग इफेक्ट मालूम पड़ता है कि वेदर का इफेक्ट उस पर तो नहीं आ रहा है, वेडर से डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो रहा है, तो लेबोरेटरी में हम सिमुलेशन से उसको साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अब बिटुमिनस मैकेडम फिर यही सेम हो गया कि एग्रीगेट और बिटुमेन के टेस्ट करते हैं। DBM में भी वही सेम टेस्ट है, पर इनकी इसी फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे रखी है, बहुत ज्यादा है वैसे ही, आई नो इट्स वेरी वेल बट स्टिल इट इज गिवन।
देन ये है दूसरे दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया हुआ इन्होंने। फिर स्लरी स्टील में जो मटेरियल होता है उसकी भी टेस्टिंग वेस्टिंग होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। डोमेस्टिक एस्फाल्ट का भी दे रखा है इन्होंने। अब ये जो दो इक्विपमेंट मैंने स्पेशली इसमें रखे हैं ये बताने के लिए कि दीज आर यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। नाउ फर्स्ट इक्विपमेंट इज बिटुमेन एक्सट्रैक्टर, यू मस्ट हैव सीन इन द लेबोरेटरी। तो दिस इक्विपमेंट इज यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बिटुमेन यूज इन BM और DBM और BC। तो जो भी कॉन्ट्रेक्टर को आपने परसेंटेज OBC निकाल के दिया है, क्या कॉन्ट्रेक्टर वो परसेंटेज यूज कर रहा है क्या? तो आप फील्ड में से सैंपल लाके और ये इसकी टेस्ट करते हो। ये मैनुअल भी हो, ये इक्विपमेंट मिलता है जो कि आप उसको इधर उधर कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी है। तो इससे आप परसेंटेज ऑफ बिटुमेन निकाल सकते हो और ये निकालना चाहिए। और यदि आपके पास, आप यदि इंजीनियर इंचार्ज हो और आपकी जीप में ये दोनों इक्विपमेंट है, तो कॉन्ट्रेक्टर को ये डर रहेगा कि ये इंजीनियर तो ये इक्विपमेंट लेके घूमता है। कौन कौन से? बिटुमेन एक्सट्रेक्टर और पेनेट्रोमीटर। पेनेट्रोमीटर किस लिए? बिटुमेन की क्वालिटी, बिटुमेन उस पर्टिकुलर ग्रेड का है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो वहां पे। तो मेन ये, यदि आपने टेस्ट न भी किए और सिर्फ ये दो चार जगह किए और ये इक्विपमेंट लेके घूमे यदि आप, तो उतने में भी आपका एकदम ये होगा कि अरे ये इंजीनियर्स जो है ये इक्विपमेंट लेके चलते हैं साथ में और ये क्वालिटी कंट्रोल, हमको क्वालिटी अच्छी देनी है, हमको हमको उतना परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। ये सब इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज। तो इस तरीके से ये पूरा अपना ये मोर्थ है, पर ये मोर्थ को पूरे को एक लेक्चर में देना बहुत मुश्किल है। आप ही ने देख, आपने जैसे देखा 1000 pages हैं इसमें, 32 sections है, 324 subsections है, और हर एक में कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल्स है। तो ये सबको एक लेक्चर में देना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने इसीलिए इस लेक्चर में सेक्शन नंबर 300 का जो अमेंडमेंट का जनरली यूज होता है वो यूज देखा मैंने। ओवरऑल आई कैन समराइज दिस दैट मैंने एक वो जो इम्पोर्टेंट 112 लिया जो कि अल्टरनेटिव रोड बनाई जाती है वो लिया, 120 लिया दैट इज फिल लैप, देन आई टुक 305 दैट इज अमेंडमेंट, देन आई टुक सेक्शन नंबर 400 दैट इज GSB, WBM एंड WMM without bitumen which is used, and then I took section number 500, so in that this prime coat, tech coat, seal coat, BM, DBM, BC, then domestic asphalt, and PMG, this OGPC in seal coat. So these I have taken. Apart from this, you must see the codes, that is IS 887, IS 217 and IS 70. These codes are used for bitumen. तो जैसे एक कटबैक के लिए है 217, इमल्शन के लिए 887 और बिटुमेन पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन के लिए है IS 73। तो ये सब चीजें आपको एक साथ में रखनी पड़ेगी एक कोड के साथ में, और if you are engineer in charge of a particular road, और for students के लिए तो ये है कि वो आगे जाके कुछ जो भी काम यदि उनको वो करते हैं, कहीं कंसल्टेंसी में जाते हैं या रोड पे कोई इंचार्ज होते हैं या कुछ होते हैं, तो उनके लिए ये सब जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस कोड में, इस मोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है। सो मैं हमेशा क्लास में भी यही बात बोलती हूँ कि दिस इज बाइबल फॉर रोड इंजीनियर्स, और इसकी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इसको एक बार में तो पूरा पढ़ा नहीं जा सकता है, या फिर इसको बहुत बार बार पढ़ने से ही चीज़ें मालूम होती है, तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम जैसा ही टाइम मिले इसको पढ़ते रहना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के लिए है वैसे ही, और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो तभी फिर अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हम दे पाए। तो बस ये इतना ही था इसमें मोर स्पेसिफिकेशन में, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग।